पहली बात तो यह है कि निमंत्रण जितने लोगों को गया उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत मतलब अपनी मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपनी खुद का उन्होंने कहा हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है, कितने लोगों ने स्वीकार किया है। कोई स्थापित हमारे धर्म गुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है धर्मशास्त्र के अनुसार। जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं, मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन बना दिया।